उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ जनपद मादामाद में भी पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को अधिवक्ताओं ने हापुड़ घटना को लेकर अपना विरोध जताया। अधिवक्ता दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी सभागार में इकट्ठा हुए और वहां से जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए कचहरी परिसर में घूमे। इस दौरान अधिवक्ता विभिन्न कोर्ट में भी गए और हड़ताल के बावजूद काम कर रहे अधिवक्ताओं को कार्य करने से रोका और चेतावनी भी दी। अधिवक्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अधिवक्ताओं ने सोमवार को चैम्बर बंद हड़ताल की थी, तो वहीं मंगलवार को पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के पुतले फूके जाने की घोषणा की थी। अधिवक्ताओं की घोषणा के बाद पुलिस अमला हरकत में आ गया था और जिलाधिकारी कार्यालय पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था की कमान स्वयं एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया संभाले हुए थे। अधिवक्ता उत्तर प्रदेश के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह के पुतलों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस बल को देखकर पुतले लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के निकट पहुंच गए और वहीं दोनों पुतलों को फूंक डाला। अरे यार जन्नत हो उसे जलाओ यार। इसको लेकर अधिवक्ताओं में मतभेद भी दिखाई दिए। कुछ अधिवक्ताओं का कहना था कि जो जनरल हाउस में पुतले फूके जाने का निर्णय लिया गया था उस पर अमल क्यों नहीं किया गया और सीजीएम न्यायालय के निकट पुतलों को क्यों फूका गया। जिस समय सीजीएम कोर्ट के पास पुतले फूके जा रहे थे तो भारी संख्या में अधिवक्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर इकट्ठा थे और उन्हें यह बताया गया था कि पुतले जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर फूके जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी को लेकर अधिवक्ताओं में मतभेद दिखाई दिए। पुतला दहन कार्यक्रम के उपरांत अधिवक्ता पुनः बार कार्यालय में इकट्ठा हुए और बुधवार के कार्यक्रम पर चर्चा की। प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए दीबार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के अध्यक्ष अशोक कुमार सक्सेना और महासचिव अभय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से बताया। बार काउंसिलर ऑफ उत्तर प्रदेश की मृदा सुंदर कल तक हड़ताल आगे क्या रहेगा आगे वहाँ से जो निर्देश प्राप्त होंगे उसी के अनुसार क्या हापुड़ घटना को लेकर आप लोगों के मन में एक तो जिलाधिकारी जिन अधिवक्ताओं के जो लाठीचार्ज के अंतर्गत चोटें आई हैं उनका इलाज समुचित इलाज कराया जाए तथा उन्हें मुआवजा दिया जाए और जो भी दोषी पुलिस कर्मचारी हैं उनके खिलाफ एफआईआर आई लिखवाई जाए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। प्रकरण को लेकर जैसा कि पिछले कई दिनों से हमारा प्रदेश भर के जो अधिवक्ता हैं वो आंदोलन रहते हैं और हमारी जो यूपी बार काउंसिल है वो लगातार इसको लीड कर रही है और इसमें लगातार शासन से प्रशासन से सबसे संपर्क बनाए हुए है और लगातार इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो हमारी मांगे हैं उसको मनवाने के लिए प्रयासरत है। तो उनके जो भी दिशा निर्देश होते हैं जैसा भी वो हमें कार्यक्रम भेजते हैं उस कार्यक्रम का हम पालन कर रहे हैं। उन्होंने हमें ये निर्देश दिया था कि 3 दिन हम लोग स्ट्राइक पर रहेंगे, तो मंडे ट्यूसडे और कल वेडनेसडे हम 3 दिन स्ट्राइक पर हैं। अदर यदि कोई इस बीच कोई अन्य निर्देश नहीं आ जाता है तो 3 दिन हम स्ट्राइक पर हैं। कल हमें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि हम अपने अपने जिलों में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तो कल हमने अपना एक प्रदर्शन किया जबरदस्त और जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन भी सौंपा
उसी के तहत आज भी हमने डीजीपी का और प्रमुख सचिव गृह का पुतला फूका अपने कचहरी परिसर में, जैसा कि हमें निर्देश था, और प्रदर्शन भी किया कचहरी परिसर में। कल के लिए जैसा भी आदेश आएगा हमारी यूपी बार काउंसिल का, उसका पालन करेंगे। वैसे अभी तक हम कल स्ट्राइक पर हैं और स्ट्राइक पर हैं। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष प्रदीप सिन्हा उर्फ बबली, आदित्य श्रीवास्तव, अभिषेक भटनागर, आशकार हुसैन, खलील अहमद, सुधा शर्मा, निदा वारसी, रेशमा बेगम, त्रिलोक चंद्र दिवाकर, पारुल जैन और प्रशांत शर्मा सहित भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।